दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सो लेट्स बिगिन विद 18th जून का एनालिसिस। एंड आपका रिस्पांस बहुत ढीला हो रहा है आजकल। डू कमेंट डाउन बिलो किस चीज़ की दिक्कत हो रही है, इधर सम डिप्रेशन और सम एंग्जाइटी रिलेटेड टू एग्ज़ाम या फिर जो भी रीज़न है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। देन लेट्स बिगिन विद GS पेपर 2 का एनालिसिस। पहला आर्टिकल है रैपिड एंटीजन टेस्ट से रिलेटेड। तो ICMR ने बोला है कि भाई अब क्या करो, COVID-19 के टेस्ट के लिए रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट चालू करवा दो। ठीक है, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे यार फिर से क्या हो गया। तो मैं बता देती हूँ, अभी तक 3 टेस्ट हुए हैं। ठीक है, 3 तरीके से टेस्टिंग होती है। पहला होता है एंटीबॉडी टेस्टिंग, ठीक है, एंटीबॉडी टेस्टिंग। दूसरा है RT-PCR, ठीक है, जिसके बारे में हम बहुत बार पढ़ते हैं, एक बार और फिर से बता दूंगी। तीसरा अभी जो नई अपडेट आई है वो है एंटीजन टेस्टिंग। ठीक है, जो रैपिड टेस्टिंग बोलते थे ना, वो ये एंटीबॉडी टेस्टिंग होता था, ठीक है, जिसमें जल्दी से रिजल्ट आ जाता था। ठीक है, तो मैं आपको तीनों में डिफरेंस बता देती हूँ। जो ये हमारा एंटीबॉडी टेस्टिंग है, इसमें मैंने आपको बताया था कि जब कोविड होता है आपको, तो आपकी बॉडी फाइट करती है तो वो एंटीबॉडी रिलीज़ करती है। ठीक है, तो एंटीबॉडी रिलीज़ करेगी तो इससे क्या होता है, इसमें ब्लड सैंपल ले लिया जाता है एंटीबॉडी टेस्टिंग में, और फिर उसे टेस्ट करते हैं कि भाई इसमें कोविड से रिलेटेड एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं। ठीक है, तो उससे बताते हैं कि ये कोविड पॉजिटिव है या नहीं। बट दिस इज़ नॉट अ कन्फर्मेटरी टेस्ट, क्योंकि कोई बंदा रिकवर हो चुका हो या एसिम्टोमेटिक हो, उसमें भी ये एंटीबॉडी आ सकती हैं कोविड के लिए। ठीक है, तो एंटीबॉडी टेस्टिंग रैपिड टेस्टिंग थी और ये भी अप्रॉक्स 30 मिनट्स में रिजल्ट्स बता देती थी। ठीक है, पर ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है। फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सी है, RT-PCR। RT-PCR इज़ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर कोविड, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है, ये मैं बता दूंगी एंड में क्या होता है इसमें। PCR एक मशीन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके थ्रू मतलब DNA को मतलब नंबर बढ़ा के, DNA का नंबर बढ़ा के देखा जाता है कि भाई इस बंदे के जो भी सिक्रीशंस वगैरह मिली है उसमें कोविड का स्ट्रेन है या नहीं। तो ये RT-PCR में होता है। फिर जो तीसरा हमारा आया है एंटीजन टेस्टिंग, वो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कि बताया आपको कि किसी की ये एंटीबॉडी टेस्टिंग है, जो एंटीबॉडी डिटेक्ट करता है बेसिकली कि इस बंदे के ब्लड में एंटीबॉडी है या नहीं। तो एंटीजन टेस्ट क्या दिखाता है, वो एंटीजन डिटेक्ट करता है, मतलब डायरेक्ट कोविड को ही देखेगा कि भाई कोविड वाला स्ट्रेन है या नहीं। ठीक है, तो ये एंटीजन टेस्टिंग है। तो ये मतलब सेम एंटीबॉडी टेस्टिंग की तरह ही है, रैपिड टेस्ट है। ठीक है, जल्दी रिजल्ट बताता है, पर फिर भी कन्फर्मेटरी टेस्ट हमारा अब तक RT-PCR ही निकला है। तो ये 3 तरीके के टेस्ट है जो आपने ध्यान रखना अगर कभी आ जाए तो। ठीक है, तो एंटीजन्स क्या होते हैं, एंटीजन्स एक फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस कराते हैं बॉडी में। बेसिकली क्या होता है, एंटीजन किसको बोलते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इस तरीके के। तो उनकी जो आउटर लेयर होती है ना, उसमें मतलब लिपिड से बनी होती है उनकी आउटर लेयर। तो अगर उसका थोड़ा सा भी स्ट्रेन हो गया ना, तो इसको भी एंटीजन बोल देते हैं। ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का फॉरेन सब्सटेंस जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करे बॉडी में, मतलब कि बॉडी में ऐसा हो कि भाई मुझे इससे फाइट करना है, वो एंटीजन कहलाता है। तो रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट क्या है कि भाई जो नेजल स्वैब है, ठीक है, जो नाक में से वो डंडी, वो ईयरबड्स टाइप डाल के वो स्वैब्स लेते हैं, ठीक है, सैंपल लेते हैं, उसमें वो डिटेक्ट करते हैं कि भाई उसमें एंटीजन है या नहीं SARS-CoV-2 वायरस का। ठीक है, तो ये है कि ये आउटसाइड द कन्वेंशन लेबोरेटरी टेस्ट हो सकता है एंड क्विकर डायग्नोस्टिक रिजल्ट, अप्रॉक्स 30 मिनट्स में इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये RT-PCR से डिफरेंट कैसे है, मैंने आपको 3 बताए थे, एक तो एंटीबॉडी, ठीक है, और एक PCR और तीसरा एंटीजन, ये नई अपडेट है। ठीक है, तो ये PCR से अलग कैसे हैं, लाइक RT-PCR रैपिड सीक्स टू डिटेक्ट वायरस रादर देन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय इट। ठीक है, तो ये दोनों का फंक्शन सेम है, RT-PCR में भी एंटीजन ही देखते हैं, ठीक है, और एंटीजन रैपिड एंटीजन टेस्ट में भी हम एंटीजन ही देखते हैं। तो जो एंटीबॉडी देखते हैं ना, वो सिर्फ पहले वाला ही टेस्ट है जिसमें एंटीबॉडी देखा जाता है, जो रिलायबल नहीं है। तो डिफरेंस क्या है सिग्निफिकेंट, तो भाई RT-PCR में टाइम ज़्यादा लगता है, 2 से 5 घंटे लगते हैं, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट में सिर्फ 30 मिनट्स लगते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी बता देता है। लिमिटेशंस क्या है एंटीजन टेस्टिंग रिजल्ट की, ठीक है, दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर द वायरस, ठीक है, बट नॉट एज सेंसिटिव एज मॉलिक्यूलर PCR टेस्ट। ठीक है, ये स्पेसिफिक ही है कि भाई सिर्फ आपको कोविड वायरस ही दिखेगा, पर PCR टेस्ट में क्या होता है, और कोई भी अगर इन्फेक्शन है वो भी पता चल जाता है, क्योंकि ये देखो ना कि मतलब थोड़ी सी भी सिक्रीशन है उसका अमाउंट बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे, तो मान लो वो सिक्रीशन इतनी दिखने लगेगी माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसमें पता चल जाएगा और किसी तरीके की इन्फेक्शन है या नहीं। ठीक है, एंड ये मोर ओवर दिस इज़ अ कन्फर्मेटरी टेस्ट, एंड हो सकता है कि ये जो एंटीजन टेस्ट है ये थोड़ी सी मतलब रिलायबिलिटी कम हो इसकी। सो RT-PCR इज़ हाईली एक्यूरेट एंड कैन बी यूज एज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, तो नेगेटिव टेस्ट है, तो अगर एंटीजन टेस्ट में है तो उसको कन्फर्म करना पड़ेगा PCR से। मान लो कि किसी बंदे को कोविड है और उसका हमने टेस्ट कर लिया और वो एंटीजन टेस्ट से नेगेटिव बता रहा है, ठीक है,
तो मान लो उसको नॉर्मल खांसी जुकाम है, पर हम रिस्क तो नहीं ले सकते क्योंकि खांसी जुकाम के सिम्टम तो कोविड जैसे ही है। तो अगर नेगेटिव है और उसको सिम्टम है तो हमें कन्फर्मेटरी के लिए फिर से उसका PCR कराना पड़ेगा। तो ये है कि डबल डबल काम हो जाता है इसमें, ठीक है। एंड वन सैंपल इज़ कनेक्टेड, इट इज़ ओनली स्टेबल फॉर एन आर, ठीक है। तो आर के बाद डिस्कार्ड करना पड़ता है, ठीक है। एंड ये है कि तो RT-PCR में तो नहीं करना पड़ता, पर ये इसमें जल्दी से जल्दी आपको टेस्टिंग करानी पड़ेगी, ठीक है। तो तीन तरीके के टेस्ट है, याद रखना। एंटीबॉडी टेस्टिंग, ठीक है, जो अभी इतना नहीं करवा रहे, फिर RT-PCR, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, एंड तीसरा है हमारा एंटीजन रैपिड एंटीजन टेस्ट। सो आई होप वी आर डन विद दैट। देन इज़ अबाउट वैक्सीन नेशनलाइजेशन नेशनलिज्म, ठीक है। तो नेशनलिज्म बेसिकली किसको कहते हैं, एक होता है पैट्रियाटिज्म, ठीक है। पैट्रियाटिज्म मतलब क्या होता है, मेरा देश, ठीक है, मेरा देश, और मतलब जिसे कहते हैं ना कि मतलब मुझे अपने देश से प्यार है, ठीक है। एंड नेशनलिज्म क्या होता है, दिस इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पेट्रियाटिज्म, की पेट्रियाटिज्म मेरा देश है और ठीक है मुझे बाकी देशों से भी कोई दिक्कत नहीं है, पर नेशनलिज्म क्या होता है, सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा, बाकियों से मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो दिस इज नेशनलिज्म विच इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पेट्रियाटिज्म जिसे बोलते हैं, जो आज के टाइम पे जिसे राइट विंग एक्सट्रीमिज्म जिसे बोलते हैं, दैट इज सॉर्ट ऑफ नेशनलिज्म। तो यूनाइटेड स्टेट हैज नाउ इंडिकेटेड दैट इट वुड लाइक टू सिक्योर प्रायोरिटी एक्सेस टू डोजेज ऑफ COVID-19 वैक्सीन, ठीक है, कि भाई वो प्रायोरिटी एक्सेस, प्रायोरिटाइजेशन का क्या मतलब होता है कि भाई हम जितना हो सके हम फटाफट बटोर लेंगे वैक्सीन वगैरह क्या होगी, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी एक्सेस देंगे टू द डोजेज ऑफ COVID-19 वैक्सीन, मतलब जो भी उसके एलाइज होंगे उनको वो पहले अपनी वैक्सीन देंगे या पहले अपने जो सिटीजन्स हैं उनके लिए होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रायोरिटाइजेशन से क्या होगा, एक वैक्सीन नेशनलिज्म डेवलप होगी। तो ये काम कैसे करेगी, वैक्सीन नेशनलिज्म कब होता है, जब कंट्री मैनेजेस टू सिक्योर डोजेस फॉर इट्स ओन सिटीजन और रेजिडेंट्स बिफोर वो दूसरी कंट्री के लिए अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। ऐसे होता है, जैसे मान लो अभी हमने क्या किया था मालदीव्स के लिए, आई सपोज मालदीव्स के लिए हमने कितना PPE एंड वो सब भेजा था, ठीक है, पर वो उस टाइम हमारी कंट्री में भी शॉर्टेज थी, पर उनको ज़्यादा ज़रूरत थी एंड वो हमारे अलाइड थे तो हमने उनको भेज दिया था। पर वैक्सीन नेशनलिज्म में ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, हम पहले अपने सिटीजन्स और रेजिडेंट्स के लिए सामान होल्ड करके रखेंगे इकट्ठा, फिर जो कुछ हमारा बचेगा वो हम दूसरी कंट्रीज़ को अवेलेबल कराएंगे। दिस इज़ वैक्सीन नेशनलिज्म, ठीक है। दिस इज़ डन थ्रू प्री परचेज एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चर, तो उसमें एक एग्रीमेंट होता है कि भाई पहले आपको इंडिया की ही नीड्स पूरी करनी, मान लो इंडिया में अगर मान लो वैक्सीन डेवलप होगी तो वो हमारा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा कि पहले हमारे यहाँ की नीड पूरी होगी, हम तुमको पैसे देंगे जब तुम किसी और कंट्री को वो चीज़ बेच सकते हो, ठीक है। तो पास्ट में यूज़ हुआ है, नहीं हुआ इसका, हाँ हुआ है। 2009 में H1N1 फ्लू आया था जिसे स्वाइन फ्लू भी बोला जाता है, ठीक है, उसमें प्री परचेज एग्रीमेंट ऐसे ही साइन किया था सेवियर फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ। At the same time, it was estimated that maximum number of vaccine doses could be produced globally was 2 billion, ठीक है। तो USA ने अकेले ही 6 लाख doses अपने right to buy बोल दिया कि भाई 6 लाख doses तो हमारे ही हैं, बाकी 2 billion हो रही है नहीं फ़र्क पड़ता, पर पहले 6 लाख हमें आपको देनी पड़ेंगी, तब जाके आप बाकी कंट्रीज़ को 2 billion में से सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये गुड क्यों नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अब आपको पता है ये ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ का क्या एजेंडा है, ग्लोबल नॉर्थ इज़ मच डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड ग्लोबल साउथ इज़ रिलेटिवली पुअर कंट्रीज़। तो ग्लोबल साउथ में दिक्कत आती है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर क्राइसिस है एंड अगर वहाँ पे ही वैक्सीन टाइम से नहीं पहुँचेंगी तो वो चीज़ें डेटरेट करती हैं, लाइक इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अब आप देख सकते हो, अगर आप येमन में देखो, ठीक है, वहाँ पे क्या इबोला क्राइसिस चल रहा है, एपिडेमिक प्लस पैंडेमिक, तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कि USA उनको होल्ड करके रख सके। सो वैक्सीन नेशनलिज्म इज़ नॉट अ गुड थिंग, तो वैक्सीन नेशनलिज्म इज़ हार्मफुल फॉर इक्विटेबल एक्सेस ऑफ वैक्सीन। इक्विटेबल मीन सबको बराबर से बटे, जिसको ज़रूरत है उसको पहले जाएं, सो हार्मफुल फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन, इट इज़ हार्मफुल एंड डिसएडवांटेज करता है फर्दर पावर्स को जिन कंट्रीज़ के पास फ्यूअर रिसोर्सेज और जिनकी बार्गेनिंग पावर कम है, ठीक है, जैसे थोड़ी सी हल्की सी पुअर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, थोड़ी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज़ हैं जो रिलेटिवली पुअर हैं, तो उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है, ना उनके पास पैसा ना उनके पास रिसोर्सेज है। ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ का डिफरेंस और वाइडन हो जाता है रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ एंड इट एलोकेट्स वैक्सीन टू मॉडरेटली एट रिस्क पॉपुलेशन इन वेल्दी कंट्रीज एंड जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है डेवलपिंग कंट्रीज में वो रह जाती हैं, जबकि मॉडरेट रिस्क वाले लोगों को ये वैक्सीन पहले मिल जाती है। सो दिस इज द हार्मफुल इफेक्ट्स। वॉट नीड्स टू बी डन, तो सबसे पहले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को आना पड़ेगा, जैसे कि WHO, उसको नेगोशिएशंस कराने पड़ेंगे कि भाई इस तरीके की चीज़ें ना हो एंड WHO उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करे, वो बोले कि भाई हमें भी वो भी प्री परचेज एग्रीमेंट आए एंड वो बोलेगा हमें इतनी डोजेज चाहिए एंड वो जो नीडी कंट्रीज है उनको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है।
इक्विटी का क्या मतलब होता है? अफोर्डेबिलिटी ऑफ वैक्सीन एंड एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, वैक्सीन अफोर्डेबल भी होनी चाहिए एंड एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव कि वो कंट्री कहाँ पे लाई करती है और उसकी जियोपॉलिटिक्स क्या है. सो आई होप वी आर क्लियर विद दैट. देन इज जीएस पेपर 3 का एनालिसिस हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में. तो आरबीआई ने स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स अप्लाई करे हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए, नए नॉर्म्स लेके आए हैं, तो देख लेते हैं. तो अब मैं आपको एनबीएफसीज के बारे में बता देती हूँ थोड़ा. एनबीएफसीज क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, नेशनल हाउस सॉरी NBFCs आर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज. ठीक है, तो नाम में ही क्या आ रहा है, कंपनीज. इसका मतलब ये कंपनीज एक्ट में दर्ज होती हैं. ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 और जो 1950s का एक्ट है, दोनों में ही ये रजिस्टर्ड होती हैं. ठीक है, कुछ NBFCs क्या होती हैं, NBFCs का काम क्या है, कुछ तो जैसे बॉन्ड्स वगैरह में डील करती हैं. ठीक है, सिक्योरिटीज़ में डील करती, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में. क्या होता है कि NBFCs का मेजर काम, वो बैंक से शॉर्ट टर्म पे लोन उठाती हैं एंड जो दूसरी जो एंटिटीज़ होती हैं कि यार किसी को भी लोन चाहिए होता है, उनको लॉन्ग टर्म पे लोन दे देती हैं. इसीलिए हम बार बार सुनते हैं NBFCs का क्राइसिस, क्योंकि बैंक से शॉर्ट टर्म पे ले लिया तो उनको इमीडिएट क्रेडिट की ज़रूरत होती है बैंक को रीपे करने के लिए, पर उन्होंने लॉन्ग टर्म में डोनेट कर देती हैं दूसरी जो एंटिटीज़ होती हैं एंड वो बहुत बार फेल कर देती हैं टू पे द इंटरेस्ट. इसीलिए NBFCs क्राइसिस हम सुनते हैं बार बार. तो जो ये सिक्योरिटीज़ हैं जो इनमें डील करती है, तो NBFCs अलग काफ़ी तरीके की होती है. कुछ तो बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती हैं और उससे डील करती हैं, कुछ रिलेटेड टू मान लो हाउसिंग से होगी. ठीक है, कुछ मान लो स्टॉक से रिलेटेड होगी, तो इससे अलग अलग तरीके से होती है. कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड हो जाती हैं NBFCs. ठीक है, तो ऐसे होता है. तो क्या होता है कि इनके अलग अलग रेगुलेटर्स होते हैं फिर. ठीक है, अगर बॉन्ड्स वगैरह से रिलेटेड होता है तो उस चीज़ को सेबी रेगुलेट करते हैं, उन NBFCs को. ठीक है, हाउसिंग वगैरह से रिलेटेड होता है तो उसको नेशनल हाउसिंग बैंक करके है वो रेगुलेट करता है. इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो IRDAI रेगुलेट करता है. ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, तो एंड स्टॉक्स एंड कुछ NBFCs जो बच जाती है उनको RBI रेगुलेट करता है. ठीक है, तो अब कभी पूछा जाए तो NBFCs को एक एंटिटी रेगुलेट नहीं करती, जिससे जो काम वो NBFC कर रही है उसको उसके अंडर आना होता है. बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स को इकट्ठा सेबी रेगुलेट करता है. बॉन्ड्स को बहुत बार RBI भी रेगुलेट करता है, पर स्टॉक्स को स्पेसिफिकली सेबी रेगुलेट करता है. ठीक है, हाउसिंग को कौन करता है, नेशनल हाउसिंग बैंक. ठीक है, इंश्योरेंस को IRDAI. ठीक है, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का नया अपडेट आया है, तो पहले आप एक बार NBFCs देख लो. ठीक है, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को एक NBFC माना जाता है. मैंने आपको बता दिया कि जो हाउसिंग से डील करता है NBFCs वो किसके अंडर होती हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक. ठीक है, तो ये करता है उसको ओवरसी अंडर द RBI रेगुलेशंस. ठीक है, अल्टीमेटली तो RBI है, पर इनिशियली NHB के अंडर होती है ये, एंड इनको NBFC माना गया है. ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन NBFCs एंड बैंक इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले क्या है कि NBFCs कैनॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, मतलब कि जैसे सेविंग्स बैंक. ठीक है, सेविंग्स अकाउंट वगैरह खुलवा देते हैं. सेविंग्स डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब है कि ऑन डिमांड आपको वो क्रेडिट अवेलेबल कराना पड़ेगा. ठीक है, तो ऑन डिमांड नहीं करा सकती क्योंकि उनका मेजर काम लोन देना है. ठीक है, तो ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, चेक्स इशू नहीं कर सकती, एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है वो इनके लिए अवेलेबल नहीं है. डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी क्या होती है, जैसे कि हम पढ़ते हैं DIGCI. ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड गारंटी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन. ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो इंश्योर कराते हैं कि मान लो मैंने 1,00,000 रुपये जमा कराए हैं. ठीक है, अभी इसकी अमाउंट इनिशियली क्या होती थी कि अगर आपने 1,00,000 रुपये जमा कराए हैं, बैंक क्राइसिस में आ गया या कोलैप्स कर गया, तो आपको 1,00,000 में से आपका 1,00,000 रुपया इंश्योर्ड होता है, आपको मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, अभी इसकी अमाउंट लगभग 5,00,000 के करीब बढ़ा दी गई है, पर ये होता है एक तरीके का इंश्योरेंस जो आपकी अमाउंट आपने डिपॉजिट कराई है बैंक्स में. तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है जो NBFCs के पास अवेलेबल नहीं होती, ये बैंक्स के पास अवेलेबल होती है. एंड ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस की स्कीम है, इसको कौन रेगुलेट करता है, DIGCI. ठीक है, तो कंटेक्स्ट क्या है कि जो NBFCs है उस पर RBI ने नया नॉर्म लगाया है कि भाई आपको एटलीस्ट 50% ऑफ द नेट एसेट्स शुड बी ऑफ नेचर ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स, ऑफ विच 75% शुड बी टुवर्ड्स इंडिविजुअल हाउसिंग लोन. तो क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होते हैं, जो क्वालिफाइंग एसेट्स होते हैं कि भाई आपको इस तरीके के लोन देने हैं इंडिविजुअल्स को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है, कुछ एक लोग मिलके एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं जिसमें वही मतलब शेयर होल्डर्स होते हैं और वही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, एंड वो खुद में ही आपस में लोन दे दे के काम चलाते हैं. तो इस तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं. तो क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होते हैं, आपको लोन देना है ऐसे लोगों को. ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन
परचेज ऑफ न्यू ड्वेलिंग यूनिट्स, ठीक है, या फिर लोन टू इंडिविजुअल्स फॉर रिनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ड्वेलिंग यूनिट्स। बेसिकली फंडा क्या है, क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होते हैं, जब आप किसी को लोन दो एंड वो कुछ समय तक वो प्रॉपर्टी टिके, ठीक है, मतलब बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड वो प्रॉपर्टी टिके एंड उससे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न जनरेट हो, ठीक है, जैसे कि मतलब बिल्डिंग बना ली, किसी ने लोन ले लिया तो उसको पता है कि भाई बिल्डिंग बना ली तो वो धीरे धीरे लोन पे करेगा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपको पे करेगा। तो इस तरीके के होते हैं क्वालिफाइंग एसेट्स एंड एनबीएफसी बेसिकली क्वालिफाइंग एसेट्स ही में ही उसकी टर्म नापी जाती है, उसकी कंटेंट नापा जाता है, क्योंकि वो हमेशा लॉन्ग टर्म पे ही लोन देता है दूसरों को। तो ये बोला है कि आपके 50% तो एटलीस्ट क्वालिफाइंग एसेट्स होना चाहिए, ठीक है, फॉर एचएफसीज, ठीक है, एंड फॉर एचएफसीज के लिए बोला गया ऑफ विच 75 शुड बी टुवर्ड्स इंडिविजुअल हाउसिंग लोन। तो आपको इंडिविजुअल हाउसिंग लोन, तो बेसिकली हाउसिंग सेक्टर में बूम लाने के लिए ये आरबीआई ने नॉर्म्स अप्लाई करे हैं। सच एचएफसीज, ठीक है, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बेसिकली, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो ऐसा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगी विल बी ट्रीटेड एज एनबीएफसीज इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज, कि भाई वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रही है एंड वो क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, एंड विल बी रिक्वायर्ड टू अप्रोच टू आरबीआई, जिससे उनका हाउसिंग फाइनेंस से उनका स्टेटस डाउन करके इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी ही बोला जाएगा उनको, क्योंकि वो हाउसिंग के लिए लोन ही नहीं प्रोवाइड कर पा रही क्योंकि उनके पास क्वालिफाइंग एसेट्स की कमी है, ठीक है। तो एनबीएफसीज इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज विच वांट टू कंटिन्यू एज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो उनको इस तरीके का रोड मैप बनाना पड़ेगा जिससे वो अपने 75% जो उनके पास पैसा है वो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन की तरफ डाइवर्ट करें, ठीक है, यही वाला क्राइटेरिया है, सेम बात बोली गई है। टारगेट क्या बोला गया, भाई 60% तक आपको अपने एसेट्स देने हैं, ठीक है, 60% तक एसेट्स आपको 2022 तक देने हैं, 70% 2023 तक और 75% टारगेट 2024 तक अचीव करना है, अभी नहीं करना एकदम से, ठीक है। प्रपोज्ड मिनिमम नेट ओन्ड फंड ऑफ 20 करोड़ के लिए बोला है, ठीक है, मिनिमम नेट ओन्ड फंड जो खुद वो ओन करेगा, वो उस तरीके का फंड अभी तक 20 करोड़ बोला है, पहले इसका 10 करोड़ था इसका अमाउंट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सब मैंने बता दिया है आपको, डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है, ठीक है, ये मैं इंसर्ट भी कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में। देन नासाज गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट, ठीक है, तो नासा ने रिसेंटली फाइनलाइज किया है, ठीक है, क्रू मॉड्यूल फॉर द एजेंसीज गेटवे लूनर ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट, ठीक है, तो ये नासा का मिशन है, मतलब आर्टेमिस मिशन से ही मतलब रिलेटेड है ये, ठीक है। तो आर्टेमिस मिशन बता दूं मैं पहले आपको, आर्टेमिस का फुल फॉर्म क्या है, एक्सेलरेशन रिकनेक्शन एंड टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून इंटरैक्शन विद सन, ठीक है, बेसिकली नासा का सेकंड मिशन है टू द मून। हम अपोलो 11 मिशन के बारे में पढ़ते हैं जिसमें नील आर्मस्ट्रांग गए थे, 1969 का मिशन था, ठीक है, तो उसमें क्या होता, पहली बार ह्यूमंस गए थे वहाँ पे, ठीक है, तो काफ़ी टाइम के बाद लगभग कुछ साल में गए बहुत सारे क्रूज, पर काफ़ी टाइम तक मून पे लैंडिंग नहीं हो पाई है ह्यूमंस की, तो नासा ने बोला कि हम इस चीज़ को रिवाइव करेंगे एंड हमारा मिशन भेजेंगे मून पे। तो इस मिशन में खास बात यह है कि इसमें पहली फीमेल जा रही हैं मून पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो पता लगाएंगे कि भाई क्या होता है जब मून पे सन रेडिएशंस हिट करते हैं, ठीक है, वेयर देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड हेल्ड टू प्रोटेक्ट इट, तो मून के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड आर्टेमिस वॉज द ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो, ठीक है, तो अपोलो 11 मिशन तो था पहले, ठीक है, तो वो मून से ही रिलेटेड था, तो आर्टेमिस उसकी ट्विन सिस्टर थी, मतलब एक ग्रीक माइथोलॉजी में, तो इसीलिए जो मतलब पहले अपोलो 11 मिशन गया और अब दूसरा आर्टेमिस मिशन जा रहा है, तो वो भी ट्विन सिस्टर थी, तो ये भी ट्विन मिशंस हैं इस तरीके से। तो बात ये करी गई है कि भाई फाइनलाइज करा है उन्होंने क्रू फॉर द एजेंसीज गेटवे ल्यूनर ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट, ठीक है, ल्यून नाम से समझ में आ रहा है, ल्यूनर को ऑर्बिट करेगा, ठीक है, मून को ऑर्बिट करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इतने का है, विच इज़ अ ओनली ओन सब्सिडरी ऑफ दिस नॉट इम्पॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए, नासा हैज़ इशूड दिस कॉन्ट्रैक्ट टू डिज़ाइन द हैबिटेशन एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर द गेटवे, ठीक है, तो लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो हेलो सपोर्ट चाहिए होगा जो ये ऑर्बिटर है जो मून के आसपास रोटेट करेगा, जैसे हमारा क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, जो किसके अराउंड अर्थ के अराउंड रोटेट करता रहता है एंड वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसमें क्रू भी जा सकता है वहाँ पे रह सकता है कुछ टाइम तक। वैसे ही ये सोच रहे हैं कि भाई हम मून के अराउंड इस तरीके का कुछ रोटेट करवाएंगे, उसे ल्यूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट बोला जा रहा है, विच इज़ पार्ट ऑफ नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम, ठीक है। तो आर्टेमिस प्रोग्राम में क्या करेगा, जो क्रू है वो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, मून पे जाएगा, पर ये है कि कुछ टाइम तक वो जब उसको रिलैक्स करना होगा वो वहाँ पे आके रिलैक्स कर सकते हैं ये ल्यूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट में। तो आर्टेमिस मिशन मैंने बता दिया, विमेन जाएंगी इसमें एंड नेक्स्ट मैन टू द मून बाय 2024। तो हेलो रेफर्स टू द प्रेशराइज्ड लिविंग क्वार्टर्स वेयर एस्ट्रोनॉट विल स्पेंड देयर टाइम व्हाइल विजिटिंग द गेटवे, ठीक है, टाइम स्पेंड करेंगे वहां पे
एंड वहाँ पे लाइव सपोर्ट होगा इन टेंडम विद द नासाज ओरियन स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, ओरियन स्पेसक्राफ्ट से आर्टेमिस मिशन जाएगा एंड क्या होगा इसमें जो आउटपोस्ट है इसमें सब के सब लाइव सपोर्ट वगैरह जो भी एसेंशियल चीज़ें होंगी क्रू को चाहिए होंगी वो इसमें होंगी। ठीक है, तो गेटवे क्या है, स्मॉल स्पेसशिप है दैट विल ऑर्बिट द मून। ठीक है, तो जो ये आउटपोस्ट के बारे में बता रखा है, ठीक है, ये होगा गेटवे एंड नाम इसको गेटवे दिया गया जो मून को ऑर्बिट करेगा, मीनिंग फॉर एस्ट्रोनॉट मिशन टू द मून एंड लेटर मार्स के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। भाई वो मून के चारों तरफ चक्कर ही लगा रहा है तो भाई मार्स के लिए हमें वापस स्पेस स्टेशन आना पड़ता था एंड ये है कि इसमें जो मून और अर्थ की दूरी थी वो कम हो जाएगी एंड डायरेक्ट जब हमें मार्स पे जाना होगा रिलैक्स वगैरह करने के लिए वो मून पे डायरेक्ट आ जाएंगे अर्थ पे आने की बजाय। ठीक है, इट विल एक्ट एज अ टेम्परेरी ऑफिस एंड लिविंग क्वार्टर फॉर एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, एंड लिविंग क्वार्टर्स होंगी, लैबोरेटरीज होंगी फॉर साइंस एंड रिसर्च एंड डॉकिंग पोर्ट्स फॉर विजिटिंग स्पेसक्राफ्ट। जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट है वो आएगा तो उसके लिए डॉकिंग पोर्ट्स भी होंगे। ठीक है, ये गेटवे स्मॉलर है, आईएसएस तो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, 5 एजेंसीज ने मिलकर बनाया था। चलो आप मुझे बताइएगा आईएसएस एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, 5 एजेंसीज ने टोटल मिलकर बनाया था, किस ईयर में बनाया था एंड कब इसको लॉन्च किया गया था वो सब मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एंड ये कंडीशन है, अगर आप मुझे बताएंगे तभी कल का एनालिसिस आएगा। ठीक है, आज का मतलब, ठीक है, तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू बिल्ड द गेटवे। ठीक है, 2026 तक बोला है, नासा हैज़ टारगेटेड कंप्लीशन ऑफ द गेटवे वाइल वर्किंग फॉर द स्पेसशिप इज ऑलरेडी अंडर वे। ठीक है, तो बोथ बाय 2022 नासा इज प्लानिंग टू रेडी द पावर एंड प्रोपल्शन फॉर द स्पेसशिप। ठीक है, ये तो अपडेट चलती रहेंगी, बेसिक बात आपको लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट के बारे में मैंने बता दी है एंड आर्टेमिस मिशन के बारे में भी बता दी है। देन वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे हर साल 17 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे, ताकि ग्लोबल अवेयरनेस फैलाई जा सके क्योंकि जो क्रोकोडाइल्स हैं वो काफ़ी एंडेंजर्ड हो चुके हैं एलिगेटर्स, तो क्रोकोडाइल के भाई हैं एलिगेटर्स इसी तरीके से। तो इंडिया इज़ होम टू 3 क्रोकोडाइल स्पीशीज, मुगर और मार्स क्रोकोडाइल, ठीक है, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल, तीन है हमारे पास। ठीक है, मुगर, सॉल्ट वाटर एंड घड़ियाल। तो मुगर की डिटेल्स देख लेते हैं, इंडियन क्रोकोडाइल बोला जाता है या मार्स क्रोकोडाइल, ठीक है, क्योंकि मार्श एरियाज में मिलता है एंड फाउंड थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वल्नरेबल है IUCN की रेड लिस्ट में। ठीक है, इट इज़ अ मेनली फ्रेश वाटर स्पीशीज, ठीक है, एंड रिवर्स, लेक और मार्शेस में मिलता है, फ्रेश वाटर स्पीशीज है, ध्यान रखना। फिर देख लेते हैं सॉल्ट वाटर, तो नाम से समझ में आ रहा है सॉल्ट वाटर में मिलेगा। तो घड़ियाल इज द फिश ईटिंग क्रोकोडाइल, फिशेस को खाता है, फोटो ये देख लो, इट इज़ अ नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN द्वारा। ठीक है, एंड नहीं हमने सॉल्ट वाटर पढ़ना था ना पहले, सॉल्ट वाटर देख लेते हैं। तो लार्जेस्ट है फॉर ऑफ द ऑल लिविंग स्पीशीज, ठीक है, सॉल्ट वाटर में मिलेगा थ्रू आउट द ईस्ट कोस्ट। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा ईस्ट कोस्ट में, सॉल्ट वाटर एरियाज में, एंड लीस्ट कंसर्न है क्योंकि बहुत सारे मिलते हैं। घड़ियाल आप कह सकते हो थोड़ा एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, एंड घड़ियाल आपको ये क्वेश्चन भी आया था कि चंबल सेंचुरी में रिलेटेड आया था कि घड़ियाल वहाँ पे पाए जाते हैं प्रीलिम्स में आपके। ठीक है, तो इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है फिलहाल तो थोड़ी सी, एंड कहाँ कहाँ मिलते हैं इंपॉर्टेंट लोकेशन जिसकी ध्यान रख लेना, नेशनल चंबल सेंचुरी, ठीक है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोन रिवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रेन फॉरेस्ट बायोम ऑफ महानदी इन सतकोसिया सेंचुरी। ठीक है, उड़ीसा में मिलता है ये, सॉल्ट वाटर बता दिया ईस्ट कोस्ट पे मिलता है, एंड जो ये घड़ियाल है आप ऐसे अगर मैपिंग करोगे तो हर जगह ही मिलता है, चंबल कहाँ राजस्थान वाले एरिया में, ठीक है, एंड सोन वाले एरिया में मतलब मिडल यहाँ पे, एंड महानदी इन द सतकोसिया रीजन ऑफ ओडिशा, तो बेसिकली यहाँ पे घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, एंड मुगर तो आप देख ही सकते हो। तो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया कौन से हैं, घड़ियाल एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम ओडिशा में इंप्लीमेंट किया गया था 1975 में, एंड सब्सिक्वेंटली द मुगर कंजर्वेशन प्रोग्राम भी फिर चालू किया गया था। फंड्स कहाँ से आए, UNDP या फिर FAO से, थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन बोला प्रोजेक्ट एट दंगामल, ठीक है, बोला एक ओडिया टर्म है फॉर द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर हालांकि लीस्ट कंसर्न है पर इसको भी बोला कि भाई प्रोटेक्ट करेंगे भीतरनिका सेंचुरी में। ठीक है, तो सॉल्ट वाटर के लिए था, मैंने आपको बताया ईस्ट कोस्ट पे मिलता है साउथ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। देन मुगर प्रोजेक्ट इन द रामातीर्था, तो रामातीर्था भी ओडिशा में, तो देखा जाए तो ओडिशा के ही है मैक्सिमम प्रोजेक्ट, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे पाए जाते हैं। घड़ियाल प्रोजेक्ट भी ओडिशा का है, कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ क्रोकोडाइल से मतलब कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उनकी ब्रीडिंग करवाना इज नोन एज कैप्टिव ब्रीडिंग, तो ये भी ओडिशा का ही प्रोजेक्ट है। देन इंडिया चाइना गलवान वैली स्टैंड ऑफ, थी आपको पता ही होगा कि इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ चल रहा है। ठीक है, मिलिट्री लेवल टॉक्स भी चल रही है बट देखा जाए तो वॉयलेंट फेस ऑफ हुए जिसमें हमारे अनफॉर्चुनेटली 20 आर्मी के जवान शहीद हो गए। ठीक है, तो ये वाली दिक्कत हो गई। एंड रिसेंटली चाइना यूज्ड स्टोन्स नाइफ, मतलब बहुत बारबेरियस एक्ट था उन्होंने, बहुत ही बेरहमी से ये एक्ट एंड कावर्डली एक्ट जिसे आप कह सकते हैं ये किया है। इंसिडेंट हैपेंड एट गलवान वैली इन द ईस्टर्न लद्दाख रीजन।
तो बैकग्राउंड क्या है इंडिया एंड चाइना, चाइना कितना बॉर्डर शेयर करता है, अप्रॉक्स 3,500 किलोमीटर का, ठीक है, एंड ओवरलैप करते टेरिटोरियल क्लेम्स को, क्योंकि चाइना ने हमारा जम्मू कश्मीर का अक्साई चिन रीजन ले रखा है, कश्मीर का रीजन मतलब इलीगली उन्होंने हड़प रखा है, ठीक है। एंड फॉर द पास्ट मंथ इंडिया एंड चाइनीज आर्मी हैव बीन लॉक्ड इन अ टेंस स्टैंड ऑफ। तीन एरियाज हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के कंटेंशियस एरिया है, गलवान रिवर वैली, ठीक है, हॉट स्प्रिंग एरिया एंड द पेंगोंग लेक सिंस अर्ली मे, ठीक है। डेम चौक रीजन जो आपको याद होगा हमने पढ़ा था, ठीक है, दौलत बेग ओल्डी पढ़ा था हमने, जो रोड है जो कनेक्ट करेगा ले को, ठीक है, ले और जो हमारा नदन मोस्ट पॉइंट है दौलत बेग ओल्डी, ये दौलत बेग ओल्डी को कनेक्ट करेगा, ये रोड हम बना रहे हैं। बेसिकली चाइना को इससे दिक्कत है बिकॉज दिस इज अ ऑल वेदर रोड, ठीक है, तो इसमें जो टैंक्स वगैरह हैं आर्मी के, जो भी मतलब हैवी लैंडिंग कराने में सक्षम है ये। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है गलवान वैली रिवर की, तो ये देख लेते हैं, गलवान वैली आपको दिखा देते हैं, ये इधर पड़ता है गलवान वैली, ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जस्ट पैरेलल पड़ता है, ठीक है। तो गलवान वैली क्या है, हाईएस्ट रिज लाइन है एंड इट इज अलाउ चाइना टू डोमिनेट द शॉक रूट पासेस, ठीक है, विच इज क्लोज टू दिस रिवर, तो ये शॉक रूट पासेस को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं इसके तहत। इट लाइज अलॉन्ग द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ एलएसी एंड क्लोज टू अक्साई चिन डिस्प्यूट, मतलब क्लोज टू अक्साई चिन ये है, ये क्लेम इंडिया करता है बट इट इज़ कंट्रोल्ड बाय चाइना, तो गलवान वैली के बारे में ये बता रखा है, ठीक है, इंडिया क्लेम करता है, यहाँ पे क्लैश हुआ है बेसिकली, ठीक है, गलवान वैली में, तो बेसिकली देखा जाए बॉर्डर पे ही है, ठीक है, इंडिया क्लेम करता है पर चाइना बोलता है कि हम इसको देखेंगे। टेंशन सडनली क्यों राइज की गई, क्योंकि हमने देखा दौलत बेग ओल्डी रोड, ठीक है, दौलत बेग ओल्डी रोड बिकॉज दैट वॉज अ ऑल वेदर रोड एंड उसकी कंस्ट्रक्शन से चाइना को बहुत दिक्कत है, क्योंकि इंडिया को एज दे देगा इन केस ऑफ सम वॉर हैपन्स, ठीक है। रोड रन अलॉन्ग द शॉक रिवर एंड मोस्ट क्रिटिकल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्लोज टू LAC, ठीक है। हाउएवर चाइनीज आर कीन ऑफ कंट्रोलिंग दिस एरिया, क्योंकि उनको फियर है कि वो इनकी पोजीशन अक्साई चिन रीजन में थ्रेटन हो जाएगी, क्योंकि जब से आर्टिकल 370 रिवोक हुआ है हमारे होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था कि हम अक्साई चिन रीजन को भी वापस ले लेंगे, तो इसीलिए उनको डर लग रहा है फिलहाल के टाइम पे। तो वे हेड क्या है कि चाइना बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रैटेजिक थिएटर्स करे जा रहा है, ठीक है, एंड साउथ चाइना सी में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे 9-डैश लाइन है, अपनी खुद की लाइन खींच के खड़े हो जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में चले जाते हैं, साउथ चाइना सी में अपनी डोमिनेंस दिखाते हैं। सो दिस इज़ अ मतलब बेसिकली मिलिट्री टैक्टिक्स चाइना की, जिससे वो दूसरी कंट्रीज़ को सप्रेस करते हैं। फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस इज मोमेंट टू गार्ड अगेंस्ट कंप्लाइंसी फोस्टर्ड बाय डिकेड ऑफ निम्बल डिप्लोमेसी। तो बेसिकली हमें डिप्लोमेसी और हमारी मिलिट्री प्रेजेंस दोनों दिखा के ही चाइना को डराना पड़ेगा। सो दिस इज़ द थिंग। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में क्या है पैंगोलिन के बारे में, ठीक है, पैंगोलिन को चाइना ने बोला है कि भाई इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, एंड तो ये इंडेंजर्ड मैमल है, ठीक है, इट इज़ द ओनली स्केली मैमल ऑन द प्लैनेट। तो आप देख सकते हैं पैंगोलिन की फोटो, जूम करके दिखा देती हूँ, कितने सुंदर और बेहतरीन स्केल्स हैं इस पे, ठीक है, तो ये स्केल्स निकल भी जाते हैं, तो इसको ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी यूज़ करते थे पर अभी खास नहीं करते। तो अकॉर्डिंग टू साइट्स इट इज़ मोस्ट इलीगली ट्रेडेड वर्टिब्रेट विद इन द क्लास, ठीक है, तो अगर पूछा जाए मोस्ट इलीगली ट्रेडेड कौन है, पैंगोलिन, जिसको पहले एलिजिडली बोला जाता था कि इसकी वजह से कोविड फैला है, ठीक है। वन ऑफ द 8 स्पीशीज ऑफ द पैंगोलिन में से 2 इंडिया में मिलती हैं, ठीक है, दे आर चाइनीज पैंगोलिन जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह रीजन में मिलती है। तो चाइनीज़ क्या है क्रिटिकली एंडेंजर्ड इंडियन पैंगोलिन, जबकि इंडेंजर्ड है, ठीक है, शेड्यूल 1 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में है, ठीक है। तो साइट्स के अकॉर्डिंग ये इलीगली ट्रेडेड है एंड ये आप देख सकते हैं। सो ये बता रखा है पैंगोलिन की स्पीशीज कौन सी इंडेंजर्ड है क्रिटिकली, इतना सब याद करने की जरूरत नहीं, अब फिलीपींस पैंगोलिन याद करके क्या करोगे। तो इंडियन पैंगोलिन इज इंडेंजर्ड जबकि चाइनीज पैंगोलिन इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो आई होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा, मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा जरूर आंसर करिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।